झारखंड के सबसे युवा और सबसे गरीब विधायक जयराम महतो का संसदीय राजनीति का सफर शुरू हो चुका है। डुमरी से विधानसभा चुनाव जीत चुके जयराम महतो की किन विपरीत परिस्थितियों में परवरिश हुई, इसकी एक लंबी कहानी है। राज्य के 81 विधायकों में से सबसे गरीब विधायक के रूप में चुने गए जयराम महतो की पहचान अपनी गाड़ी के बोनट पर खड़े होने वाले एक राजनेता के रूप में रही है। चुनाव के 2 महीने पहले जयराम महतो ने अपनी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का रजिस्ट्रेशन कराया। चुनाव में 71 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए और 11 लाख से अधिक वोट लाकर आसू पार्टी, सपा और बसपा से बड़ी पार्टी के रूप में उभरे जयराम महतो ने मंगलवार को एक यूट्यूब चैनल से अपने निजी और सार्वजनिक जीवन के बारे में दिल खोलकर बातचीत की। जयराम महतो का जीवन संघर्षों से भरा है। उनका संघर्ष माँ के गर्भ से ही शुरू हो चुका था। जयराम महतो ने बताया कि उनके 2 छोटे भाई बहन बचपन में चल बसे थे। जब उनका जन्म हुआ, गांव में अंधविश्वास का माहौल था। गांव घर के लोगों का मानना था कि इस घर में जरूर किसी न किसी का साया है, इसी कारण बच्चे की मौत हो रही है। यही कारण था कि जब उनका जन्म हुआ तो उनकी नानी उन्हें अपने साथ ले गयी। नवजात बच्चे को अपनी माँ का दूध भी नसीब नहीं हुआ। उनका नानी घर धनबाद जिले के कोलियरी क्षेत्र में था और नाना भी कोलियरी में काम करते थे। नानी ने ही भरण पोषण किया और पढ़ाई कराई। बचपन में पाउडर दूध और भैंस का दूध पीकर वो बड़े हुए। आज भी घर परिवार की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। माँ मानसिक तौर से टूट चुकी थी। पिता तब चल बसे जब जयराम के छोटे भाई माँ के गर्भ में ही थे। 5 महीने के बाद उनका जन्म हुआ। पिता की मौत के 3 महीने के अंदर ही दादा की भी मौत हो गई। चाचा नेत्रहीन थे। विधवा महिला मानसिक और शारीरिक रूप से टूट गई थी। उन्होंने ही 20 वर्षों तक पूरे परिवार को हैंडल किया। परिवार में संघर्ष की कहानी रोंगटे खड़े करने वाले हैं। जयराम महतो ने बताया कि उन्होंने पैदा होते ही संघर्ष करना सीखा है। वे झारखंड विधानसभा के सबसे युवा और गरीब विधायक हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले 5 साल बाद भी उनके बैंक खाता में 4-5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा में वे स्थानीय भाषा में शपथ लेंगे और अगर बोलने का मौका मिला तो स्थानीयता और विस्थापन जैसे मुद्दों पर ही पहली बार बोलेंगे। जयराम महतो ने बातचीत के दौरान कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश वालों से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। बेरमो में रविन्द्र पांडे और अनूप सिंह के खिलाफ उनकी लड़ाई विचारधारा की थी। वे दोनों मूलवासी नहीं है। कॉमरेड एके राय का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि अगर ये दोनों नेता कॉमरेड एके राय की तरह होते तो उनका स्वागत करते।